हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रेट एग्जाम को लेकर नई अपडेट में आपका स्वागत है। रेट 2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई जांच से करवाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और एसओजी के एडीजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार रेट पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करवाने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका की कॉपी एजीजी और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह कोर्ट ने मधु कुमार नागर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये नोटिस जारी किए हैं। दोस्तों, याचिका में हाई कोर्ट से केस की जांच सीबीआई जांच या राजस्थान से बाहर की दूसरी किसी जांच एजेंसी से करवाने के साथ ही जांच में पेपर लीक पाए जाने या गड़बड़ी हो जाने के कारण रेट परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की है। मामले में याचिकाकर्ताओं में पैरवी कर रहे एडवोकेट राम प्रताप सिंह ने कोर्ट में बताया है कि 26 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रेट करवाई थी। उस दिन दो पारियों में पेपर था। पहली पारी में सुबह 10 बजे से थी। पेपर सुबह 8:30 बजे के करीब ही गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के पास पाया गया। उसने पेपर लेकर कई लोगों को यह पेपर बेच दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी में FIR नंबर 402 भी दर्ज हुई है। राजस्थान में कई पुलिस थानों में FIR दर्ज हुई है। उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है कि पेपर आउट और नकल के कारण योग्य अभ्यर्थी चयनित होने से रह जाएंगे। जो योग्य नहीं है ऐसे अभ्यर्थियों को भी पहले ही पेपर मिल जाने के कारण उनका चयन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान रेट एग्जाम को लेकर नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।